यार मेरे लाइफ में एक्चुअली एक वुमन है जिसने मेरे को बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट किया है एंड वो है मेरी माँ मी। जब मेरे को ये बोलता है कि मतलब आपके लिए लड़की दिखेंगे एंड हम बात करेंगे, तो मैं उनको पहले ये बोलता हूँ कि नहीं मम्मी तो आएगी साथ में, मेरी मामी भी आएगी, आपको जमता है तो हम बाकी बात करेंगे। वो मुझे कहती है पहला बेटा मैं हूँ और फिर उनके दो बच्चे। एंड जब भी वो कुछ प्रे करती है अपने प्रेयर्स में मेरे को हमेशा याद करती है। एंड जिस दिन मैं सीए क्लियर हुआ था उस दिन मैंने उन्हें फ़ोन किया एंड सबसे ज़्यादा वो रोई थी। सो शी हैज़ ऑलवेज बीन वेरी इंस्पायरिंग टू मी, ऑलवेज टेल्स मी पॉजिटिव थिंग्स कि लाइफ में तू ये करेगा, तेरा ये काम हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। एंड शी इज़ अ वॉरियर इज व्हाट आई से ऑलवेज, बिकॉज हमने लाइफ में ऐसे देखे हैं स्ट्रगल एंड हार्डशिप जिसमें वो हमेशा स्ट्रॉन्ग खड़ी रही है। सो उनसे हमने सीखा है कैसे आप अपने डाउनफॉल में भी अपने को स्ट्रॉन्ग खड़े रहना है। सो यार शी इज़ ऑलवेज इंस्पायर्ड। मामी हमेशा एक चीज़ बहुत ज़्यादा बोलती थी कि तुम दोनों का बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा एंड वो बहुत पॉजिटिविटी के साथ वो बोलती थी। उस ईयर एक्चुअली वो लॉयर बन गया एंड ही इज़ डूइंग ग्रेट, ही इज़ डूइंग बेटर देन एवरीबडी इन द फैमिली। जब लोगों को लगा वो क्लियर ही नहीं कर पाएगा एंड सेम जब मेरा सीए क्लियर नहीं हो रहा था हमारी ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द फैमिली वॉज अगेंस्ट कि यार तू छोड़ दे तू मत कर, बट उन्होंने हमेशा मेरे को मेरे एग्जाम के एक दिन पहले भी ये कहा है, एक महीने पहले भी ये कहा है और रिजल्ट के पहले भी ये कहा कि तेरा होगा मतलब होगा। एंड जब रिजल्ट आने वाला था रादर जब एग्जाम्स हमारी हुई थी उस टाइम उन्होंने इतने कॉन्फिडेंटली कहा था कि इस बार तू पास हो जाएगा एंड लेट मी टेल यू एक्चुअली मेरा रिजल्ट क्लियर हो गया था व्हेन द एंटायर फैमिली वॉज ऑलमोस्ट अगेंस्ट मी।